हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है कोई प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो नहीं है। आज का जो वीडियो है मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के शेयर करने वाली हूँ, तो उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जियो मार्ट से बहुत बार ही शॉपिंग किया है, बट जितनी बार भी शॉपिंग किया है मैंने ग्रोसरी आइटम्स ही खरीदे हैं। कभी मैंने फैशन सेक्शन से कुछ नहीं परचेस किया है, बट वहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चलते रहते, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे मंगवाए हैं। बट इस बार मैंने सोचा था कि चलो फैशन सेक्शन से कुछ मंगवाते हैं, बिकॉज मेरा जो ग्रॉसरी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था और जो टाइम वो लोग देते थे डिलीवरी का, ठीक उसी डेट में वो लोग डिलीवरी देके जाते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो मैंने सोचा चलो फैशन सेक्शन से भी कुछ ट्राई करते हैं। मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा था, मेरा जो नेफ्यू है उसके लिए ख़रीदा था। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँगी कि मैंने बहुत सारे शॉपिंग किए हैं ऑलरेडी जियो मार्ट से, जो है सारे ग्रॉसरी आइटम। मैंने कुछ दिन पहले भी ग्रॉसरी आइटम्स ख़रीदे हैं, आप लोग देख सकते हो। 18 जून में मैंने ऑर्डर किया था और 20 जून में मुझे ऑर्डर जो है रिसीव हो गया। तो ग्रॉसरी सेक्शन में जो है मैं कहूँगी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, जो आया है वो है फैशन सेक्शन में। अब मैं कहना चाहूँगी कि क्या था प्रॉब्लम। देख सकते हो जो मैंने ये ऑर्डर किया था फैशन सेक्शन से, ये वन मंथ से ज़्यादा हो गया है इसका। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है दो टॉप ऑर्डर किया था और एक जेगिंस ऑर्डर किया था। मैंने जो है 15 अप्रैल को ऑर्डर किया था तीनों चीज़ें। पहला वाला जो टॉप है वो 19 अप्रैल को ही मुझे कैंसिल बोल के दे दिया गया कि हम लोग नहीं दे सकते आपको ये ऑर्डर, हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। बचा एक टॉप और एक जेगिंस, तो मैंने सोचा ये वो लोग दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डिलीवरी डेट था बहुत ही मतलब अगले ही दिन दिया था उन लोगों ने डिलीवरी डेट, तो मैंने सोचा चलो दे देंगे ये जो एक टॉप और एक जैगन्स है। बट अगले दिन नहीं दिया और वहाँ पे जो डिलीवरी डेट था वो बढ़ गया, तो मैंने सोचा चलो अगले दिन दे देंगे, वो भी नहीं दिया, वहाँ पे ऐसे डेट बढ़ जा रहा था। तो मैंने सोचा ये पहले वाला जो टॉप इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, वैसे ये दोनों भी आई थिंक वो लोग कुछ दिनों के अंदर ही कैंसिल कर देंगे, बट उन्होंने कैंसिल नहीं किया। तो कुछ दिन बाद आप लोग देख सकते हो 27 अप्रैल को, मतलब मैंने ऑर्डर किया था 15 अप्रैल को और मुझे रिसीव हुआ 27 अप्रैल को। तो 27 अप्रैल को जब सुबह मुझे कॉल आया कि आपका एक पैकेज है डिलीवरी के लिए, तो मैंने सोचा मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया है, ये कौन सा पैकेज है, क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया था कि वो जो मैंने ऑर्डर किया है वो आने वाला है। और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था तो मैंने पैसे पहले पे नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चलो पैसे तो मैंने पे नहीं किए तो मुझे मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। सो उसके बाद जब मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा ये क्या आ रहा है, तो उसके बाद मैंने देखा मेरे पास जब वो SMS आता है कि आपका प्रोडक्ट जो है आज डिलीवर होने वाला है, तो तब मैंने देखा वो जियो का जो एक टॉप और एक जैगन्स था वो आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो अच्छी बात है। जो डिलीवरी देने आए थे भैया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका 110 रुपये हुआ है, तो मैंने सोचा 110 रुपये, मैंने तो एक टॉप और जैगन्स ऑर्डर किया था तो 110 रुपये क्यों, ये तो ज़्यादा होने वाले थे। तो मैंने तो कहा ठीक है चलो 110 रुपये मांग रहे, तो मैंने दे दिया 110 रुपये। उसके बाद मैंने उस पैकेट को खोला, तो खोल के देखा जो जैगन्स है वो उसके अंदर नहीं था, ठीक है ना, जो जैगन्स था वो उसके अंदर नहीं था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉप ही था जो ऐसा है, जी हाँ ये वाला टॉप था जो मैंने ऑर्डर किया था, वो वाला टॉप नहीं था। मतलब समझ सकते हो जो मैंने ऑर्डर किया था वो वाला टॉप नहीं आया, ऐसा वाला कुछ टॉप आया था, मतलब सेम ऐसा ही दिख रहा था बट कलर अलग है, डिज़ाइन वगैरह सब ऐसा ही है। मैंने सोचा कि यार ये वाला टॉप तो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं, और एक जैगन्स आने वाला था और एक टॉप आने वाला था, जैगन्स तो इसके अंदर है ही नहीं। तो तब मुझे समझ में आया कि वो भैया ने क्यों पैसे कम लिए। तो उन लोगों ने देखो
पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का कोई भी इशू नहीं हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा पैसा नहीं लिया। उन लोगों के जैगिंस का जो पैसा था वो लोग काट के ही मुझसे, वो सिर्फ टॉप का पैसा लिया था उन लोगों ने, तो पैसे वाला जो कोई भी मुझे इशू नहीं हुआ। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे टॉप का ही पैसा लिया था, जैगिंस का पैसा नहीं लिया। तो बट मुझे जो दुख हुआ वो इस बात का हुआ कि मैंने जो टॉप पसंद किया था वो वाला टॉप नहीं आया, कोई दूसरा वाला टॉप आ गया, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जो साइज़ दिया था टॉप का वो था 3 to 4 years टॉप का मैंने साइज़ दिया था, तो साइज़ में भी मुझे कोई इशू नहीं हुई, एग्जैक्ट वही साइज़ आया था, 3 to 4 years का ही साइज़ मुझे मिला था टॉप का। बट प्रॉब्लम यही था कि वो अलग टॉप था, जो मैंने पसंद करके ऑर्डर किया था वो वाला नहीं था। तो जो एक टॉप मिला वो लोगों ने उसे ही पैक करके मुझे भेज दिया, जो मैंने पसंद करके ऑर्डर किया था वो वाला टॉप नहीं आया। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैंने जो पसंद किया वो नहीं आया, उन लोगों का पसंद का एक उन्होंने मुझे थोप दिया। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि मेरा जो जियो मार्ट का जो फैशन सेक्शन से जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये नहीं कहूँगी कि पैसों का कोई इशू हुआ है, साइज़ का कोई इशू हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो आप लोगों के पास नहीं है, हो सकता है उस टाइम सेल चल रहा था इसलिए हो सकता है वो टॉप जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, इसलिए वो उन लोगों ने दूसरा जो है टॉप भेज दिया। पर ठीक है ना, आप लोग कैंसिल भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, तो कैंसिल करने से उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो आपने जैसे पहले वाले टॉप को कैंसिल कर दिया था वैसे ही इसे भी कैंसिल कर दे सकते थे, बट आप लोगों ने दूसरा वाला टॉप भेज दिया जो मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है ना। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस जियो मार्ट के फैशन सेक्शन से। उन लोगों को कैंसिल कर देना चाहिए था, ऐसा कोई दूसरे वाला टॉप नहीं भेजना चाहिए था। और मैं जो रिटर्न करूँगी या फिर रिफाउंड लूँगी ऐसा भी कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिला कि मैं उस टॉप को रिटर्न कर दूँ या फिर रिफाउंड ले लूँ, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो ये वाला जो है मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा जो जियो मार्ट का जो फैशन सेक्शन का एक्सपीरियंस है ऐसा ही है। बट मैं ये भी कहूँगी कि मैंने जितनी भी बार ग्रॉसरी सेक्शन से ऑर्डर किया है सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं, मतलब कभी भी ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है मुझे रिसीव नहीं हुआ, सारे प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मुझे रिसीव हुए हैं, जो टाइम उन लोगों का डिलीवरी का दिया जाता है उसी टाइम में मुझे रिसीव हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग सोच रहे हो कि जियो मार्ट से शॉपिंग करूँ या नहीं, तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ग्रॉसरी आइटम अगर ख़रीदना चाहते हो तो ज़रूर ख़रीदो, बट फैशन का मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। कि आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप लोग अगर जियो मार्ट के फैशन सेक्शन से कुछ भी शॉपिंग किए हो, कोई भी क्लॉथिंग आइटम, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस जान के सोचूंगी कि मैं दोबारा फैशन सेक्शन से कुछ लूँ या नहीं। और इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे जाके नए वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।